दोस्तों हम लेकर के आए हैं आज आपको बिरला। आप सामने देख रहे होंगे एक रोड है, बहुत ही खौफनाक रोड है। लोग इस रोड पे रात के 10 बजे के बाद चलना भयानक समझते हैं। लोग समझते हैं भयानक आत्माएं यहाँ से गुजरती हैं, और बस ये इस चौराहे से लेकर के उस चौराहे तक ही होता है। तो हम आपको लेके आए हैं बिरला। पीछे दिखाइए इनको, बिरला छात्रा हॉल, द बिग बिरला इज डिवाइडेड इंटू 3 पीसेस, बिरला ए, बिरला बी, बिरला सी। तो हिंदी में बोले तो बिरला छात्रावास ए, और बिरला छात्रावास ब, बिरला छात्रावास स, और ब स ए बी सी। तो हम आए हैं आज बिरला, बिरला छात्रावास ए। बिरला हॉस्टल 1921 AD, 1921 में बना हुआ बिरला हॉस्टल हम आज आपको दिखाने आए हैं, और पूरा अच्छे से दिखाएंगे। आइए चला जाए भैया। आप भी तो बिरला में आए होंगे काफ़ी बार। हाँ हाँ, बहुत बार। बिरला ए दरअसल मतलब ग्रेजुएशन वालों का हॉस्टल है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ ग्रेजुएशन वाले रहते हैं, बहुत कम कम, जैसे एक ग्रेजुएशन में एक बैच में 700 लोग आते हैं, तो उसमें से 25-30-50 लोग को, 60 लोग को बिरला मिल गया, फिर बचे कुछ लोग को LBS मिल गया, और इसी हिसाब से सारा कुछ मिलता है। आगे चलेंगे हम लोग। उधर आप दिखाएं इनको, उधर साइकिल स्टैंड है, एक बहुत बड़ा साइकिल स्टैंड बनाया गया है। गेट से घुसते ही साइकिल स्टैंड है, वहाँ पे गार्ड्स के लिए बैठने के लिए, जो आर्मी के गार्ड्स यहाँ पे लगे होते हैं प्रोक्टोरियल बोर्ड में, वो वहाँ पे बैठाए जाते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं उन लोग। और गेट से घुसते ही इधर आपको थोड़ा सा गार्डनिंग मिलेगा। अभी काफ़ी ढेर सारा घास निकल आया है, क्योंकि पहले लोग क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं। बिरला 1921 का बना हुआ है, तो समझ लीजिए बहुत पुराना है, मतलब काफ़ी पुराना, इतना पुराना कि रूम्स काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं, छोटे छोटे हैं। और आइए कुछ और दिखाने की कोशिश करेंगे। टोटल दोस्तों 122 कमरा है, मतलब 101 से लेकर के 322 तक है, तो ये मत समझिएगा 322 कमरे हैं टोटल। यहाँ पे रूम नंबर 1 नहीं होता, डायरेक्ट 101 होता है। तो 101 से स्टार्ट है, 322 पे खत्म है, तो आप समझ लीजिए 222 कमरे। हाँ, 222 कमरे, 222 कमरे हैं टोटल। तो इतने टोटल कमरे हैं, कितने कर्मचारी हैं उनके लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये लिस्ट क्यों लगाया जाता है, ताकि आप पढ़ें, विजुअली इम्पैक्ट, जैसे कि जिनकी आंखें नहीं होती हैं, जिनके जो अपाहिज होते हैं, जो चल नहीं पाते, दिव्यांग होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें यहाँ पे लिखी रहती हैं, कि वो इनको पढ़ें और बुलाएं, कि हाँ ये चौकीदार है तो ये आपके लिए अपॉइंट हुए हैं, ये MTS है तो ये आपके लिए अपॉइंट हुए हैं। तो ऐसी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं डायरेक्ट। और है कुछ ऐसा है, मैंने अभी विजुअली इम्पैक्ट लोगों के लिए बताया, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए बताया, कि जिनकी आंखें नहीं है तो वो ये रैंप का यूज़ कर सकते हैं। रैंप बना हुआ है, मतलब पेरेंट्स लोग जानने की कोशिश करते हैं कि रैंप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, अगर व्हील चेयर है तो व्हील चेयर कैसे आएगा। इस बिरला छात्रावास में, बिरला छात्रावास में अगर आप व्हील चेयर से आने की कोशिश करना चाहते हैं कि हाँ मैं, मेरे पास व्हील चेयर है, मैं व्हील चेयर से जाऊंगा या फिर जाऊंगी तो नहीं बोल सकता, लड़कियों के लिए नहीं है, तो आप इस रैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रैंप है, ऐसे ही रैंप आपको उधर भी बने हैं,
इधर भी बने हैं, और रैंप से खड़े होकर के वो गेट दिख रहा है, वहाँ पे झाड़ू लग रहा है, वो गेट है। उस गेट के बाद वहाँ पे आपको बताया साइकिल स्टैंड है, ये बिरला है पूरा। आगे आपको दिखाते हैं थोड़ा सा अंदर क्या है। ऐसे ऐसे रूम होते हैं, मतलब 1921 में ये हॉस्टल बना है अगर, तो आप समझ जाइए कि इसमें रूम कैसे होंगे। ये जो रूम है 107, रूम नंबर 107, ये लकड़ी का सब बना हुआ है, सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है। ये ताला इतना बड़ा लगा हुआ है, सब सिक्योर की लकड़ी है ना। ये एक बार इस पर फोकस करिएगा, ये जो बंद करने वाला लॉक है वो कैसा है, वो भी देख रहे हैं पुराने ज़माने का एकदम दिया हुआ है तो मजबूत। और इसका टाइल्स कुछ ऐसा टाइल्स नहीं लगा हुआ, पत्थर लगा हुआ है, और सेम यही पत्थर रूम के अंदर भी लगा हुआ है। और रूम मैं आपको बता दूं तो रूम दरअसल ना, आप जिस अगर रूम में घुसेंगे तो रूम ऊपर से फ्लोरिंग मतलब एकदम सीलिंग जो होता है एकदम फ्लैट नहीं है, ऐसे कर्व है, जैसे इग्लू बनाए जाते हैं ना, लोग बोलते हैं इग्लू, गुंबद टाइप के, थोड़ा गुंबद टाइप का बोल सकते हैं, ऐसे टाइप का बना हुआ है। वहाँ पे कटहल का पेड़ है जरूर छीलिएगा। एलवीएस हॉस्टल का भी हम लोगों ने ब्लॉग दिखाया था, एलवीएस हॉस्टल बाद में बना इसलिए अच्छा था, अगर वो भी इसी समय बनता तो ऐसा ही पुराना बनता, लेकिन ये एंटीक मॉडल है, शायद 100-200 साल बाद ऐसा इतना पुराना घर मतलब पूरे ज़िला में शहर में ना पाया जाए, इतना पुराना ये बच जाएगा। और इसमें लोग तब भी आएंगे और पढ़ेंगे, इसको तोड़ा तो जाएगा नहीं भैया, तोड़ा जाएगा इसको नहीं, इसको मेंटेन किया गया है अभी दो साल, एक दो साल पहले इसको काफी रिनोवेट किया गया। तो ये है आपका बाथरूम, काफी चमक रहा है इधर। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिरला इज डिवाइडेड इनटू 3 पीसेस, बिरला ए, बिरला बी, बिरला सी। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ बिरला, दिस इज बिरला बी। बिरला बी इज बेसिकली एंड स्पेशली फॉर रिसर्च स्कॉलर। रिसर्च स्कॉलर मतलब रिसर्च स्कॉलर क्या होते हैं, वो हमको पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं हम, जिसमें यूजी जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वैसे वो भी ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, फिर पीजी कर रहे होते हैं, फिर मेहनत करते हैं, नेट निकालते हैं, जेआरएफ निकालते हैं, उसके बाद रिसर्च में एडमिशन लेते हैं। रिसर्च में एडमिशन लेना भी बहुत बड़ी बात है, वो भी बीएचयू में। तो रिसर्चर का ये हॉस्टल है बिरला बी, और बिरला सी किसका हॉस्टल है, बिरला सी फिजिकल एजुकेशन का है, फिजिकली चैलेंज नहीं लोग वहाँ पे रहते हैं, फिजिकल एजुकेशन का है। हट्टे कट्टे लोग रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, और बिरला बी मतलब ये जो एक वाइब होती है बिरला बी की, बिरला बी में रिसर्च स्कॉलर हैं, बिरला सी में मठाधीश बड़े बड़े लोग हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हवा बहती है वो बिरला बी से बिरला सी बह जाती है, बिरला ये आती ही नहीं है, मतलब वो हवा ही नहीं आती है, इतना बड़ा ये बाउंड्री यहाँ पे कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगर ये बाउंड्री नहीं होता तो सब एक में है, कोई बिरला ए, बिरला बी, बिरला सी नहीं है, तो ये बंटवारा यहाँ पे कर दिया गया है। लोग बोलते हैं कि झगड़े होते हैं, ये अंदर जाने का रास्ता है, मैं व्हील चेयर की बात कर रहा था, तो वहाँ पे व्हील चेयर पड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पर साइकिल किस लिए रखी जाती होगी, साइकिल यहाँ पे स्टूडेंट मतलब बाहर साइकिल खड़ी करने के लिए लोग हिचकिचाते हैं कि चोरी हो जाएगा, तो आप अंदर भी साइकिल खड़ी कर सकते हैं। अरे इनफैक्ट आप अपने रूम के सामने, पूरी रूम के सामने साइकिल खड़ी करिए, हाई सिक्योरिटी पर्पज है। नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, साइकिल घुस जा रही है, बाइक घुस जा रहा है, हाथी भी घुस जाए तब भी आप खड़ा करो। पहले के ज़माने में यहाँ पे गाय रखी जाती थी, घोड़ा से चलते थे, राजकुमार लोग पढ़ते थे, तो उन लोग कैसे चलेंगे, साइकिल चलेंगे, साइकिल नहीं था,
पहले तो साइकिल किसके पास था, ब्रिटिश ब्रिटिश में जो कलेक्टर ब्रिटिश उनके पास साइकिल हुआ करती थी। तो भाई आजकल सब लोग कलेक्टर हो गए हैं, सबको छूट दिया गया है, जो भी घुसे घुसा दीजिए कोई नहीं। बहुत बड़ा अच्छे थे, देखिए ना इतना बड़ा जगह है, लेते आइए जो मन करे, बस आ जाए अंदर, मुस्कुराइए आप बिरला। ये है एकदम राजाओं महाराजाओं वाला एकदम शान वाली फीलिंग आएगी आपको। वहाँ पे बढ़िया सा वो दिखाइए उनको क्या लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, उसको उठ करके एक बार मुँह जरूर देखिएगा। मुँह देखना मतलब काफ़ी वो होता है ना, मैं भी सही लग रहा हूँ इसमें, ये लाल लाल क्या पर सर थर्ड क्वालिटी का है, लेकिन बिरला है ये, एंटीक है, ऐसा हॉस्टल आप जल्दी नहीं पाएंगे। ये मेस की तरफ जा रहे हैं हम लोग, मतलब मैं आपको बता दूं एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाथ देखिएगा, ये हाथ देखिएगा, ये ऐसे रखा हूँ, ये एक प्लॉट पे मैंने ऐसे रखा है, प्लॉट एकदम लंबा सा है, ऐसे रखा हूँ तो ऐसे बिरला है, मतलब बिरला है, और इतना जो जगह पीछे खाली हुआ है अब वहाँ मेस है, तो बिरला आगे है मेस पीछे है, वो LVS है, वो जो लंबा सा बड़ा सा दिख रहा है वो LVS है, वो बाउंड्री के उस पार पड़ जाता है, उस वहाँ से पत्थर चलता है तो यहाँ तक पहुँच जाता है, पेट्रोल पम्प भी बहुत बार पहुँच जाता है, लेकिन ये सब गलत बात है, पेट्रोल पम्प पत्थर चलना आम बात है, अगर आप बिरला में पढ़ रहे हैं तो अभी अभी कई सदियों लगेंगे बदलने में। हमारा ये मेस है, हम ये मेस ऑपरेट कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको दिखाते चले जाएंगे। काफ़ी अच्छी गार्डनिंग यहाँ पर की गई है, मेस नंबर 1 है, और हाँ एक हॉस्टल में लगभग एक ही मेस नहीं होते हैं, एक हॉस्टल में कम से कम 3 होते हैं 4 होते हैं, तो यहाँ ये मेस नंबर 1 है, ये मेस नंबर 2 है, ये गेस्ट रूम है, यहाँ बिरला का गेस्ट रूम है, अरे मतलब ये सब विभूति नारायण यहाँ पे रहते थे आकर के, गेस्ट रूम 3 है, सपोर्ट सर्विस, इलेक्ट्रीशियन यहाँ का कौन है, शिकायत पंजीकरण, आप अगर यहाँ पे जो रहते हैं शिकायत आपको दर्ज करानी है आप दर्ज कराइए, चौचक दर्ज कराइए, मतलब लड़कियाँ सोचती हैं कि बिरला बिरला क्या है, तो बिरला के अंदर यही सब है जिसकी वजह से लोग स्ट्रांग रहते हैं, और मतलब ये सब गुट्टी है जो काम आती है, अब मैंने वो तो गुट्टी आपको बता ही नहीं सकता वीडियो में जो लोग साइड हो जाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर आप मतलब 10 बार यहाँ पे जय बिरला जय बिरला जय बिरला जय बिरला बोलेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा, तो आप मतलब पानी अनंत काल के लिए मीठा पानी निकलेगा, ये है स्टोर रूम है, ये बर्नरों का छत्ता है, बहुत इको फ्रेंडली माहौल है यहाँ पे, जीव जंतु जानवर रहते हैं, ये देखिए गाय भी दिखाऊंगा अभी, देखिए वहाँ पे सामने गाय रखी हुई है, मतलब आप दोपहर में अपने ही लॉन में बैठ करके बढ़िया से पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ एक नया प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठिएगा तो मतलब आराम से बैठिएगा, लोग बोलते हैं कि उस वाले बाउंड्री से उस वाले छत पर से पत्थर या फिर पेट्रोल बम डायरेक्ट आकर के यहीं गिरता है, क्योंकि काफ़ी पास है यही लोकेशन, यहाँ तक आराम से आ जाता है, और आपको दिखाऊँ वहाँ पर बम मारने की वजह से उतना बड़ा गड्ढा भी हो गया है, लेकिन बम सब नहीं मानना चाहिए, झूठ बोल रहा हूँ यार, ये स्टोर रूम है, वहाँ से मेस स्टार्ट हुआ है, वहाँ से मेस स्टार्ट हुआ है पूरा, ये दोस्तों ये है चौथा मेस,
ये है आपका कैंटीन, कैंटीन है आपका, आपको ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कंडीशन ख़राब है, बिल्कुल ऐसा कंडीशन नहीं बोलूँगा कि ख़राब है। खाने पीने का कंडीशन बहुत अच्छा है, 35 रुपया प्लेट, 40 रुपया प्लेट खाने देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, दाल चावल, 2-3 सब्जियाँ, रोटियाँ, मतलब फ्राइड राइस मांगोगे फ्राइड राइस देंगे आपको, आपको पराठा चाहिए पूड़ी चाहिए चटनी चाहिए नमकीन चाहिए आपको सैलेड चाहिए कुछ भी चाहिए आपको सब कुछ दिया जाएगा इसमें। बस यही बोलूँगा कि एक टाइम में जो आप घर बैठ करके नॉर्मल खाना खाते हो, यहाँ पे आप चौड़े से बैठ करके अपने अधिकार के साथ जो चाहिए बोलो मिलेगा। अब ऐसी कुछ ना बोल दो कि मेस वाले को मार खाना पड़े और मेस वाला भाग जाए, तो उसमें किसका घाटा होता है, हमारे ही छात्रों का घाटा होता है। हम अपने दोस्तों का घाटा नहीं करने देंगे, सामने आपको दिखाएंगे वो रहा ऐसे ही देखने में लगता है पीछे से बिदला, पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है। बिल्डिंग जर्जर थोड़ी सी हो गई है कई कई जगहों पे, जहाँ पे ऊपर से पानी गिरते हैं, टैप लगा हुआ है वहाँ से पानी सिल रहा है इस वजह से। अब आपको हम इधर लेके चलते हैं, पूरा बिरला है, मतलब पूरा बिरला, पूरा कैंपस इसका वाईफाई कैंपस है, फुल स्पीड वाईफाई कैंपस है, 50 MB/s, पूरे एक एक रूम में जितने भी रूम हैं, जितने भी 200-300 रूम हैं इसमें, 101 से लेकर के 302 तक सारे सारे रूम वाईफाई से लैस हैं। और चलेंगे आगे, तो दोस्तों ये रहा सब कुछ बिरला के बारे में, बिरला कैसा है, रूम्स कैसे हैं, गाड़ी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, गाड़ी भी रख सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि रूम के सामने गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। सारे रूम बंद हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाता कुछ ना कुछ। एक यही रूम है जो मिलता है, थोड़ा सा चप्पल निकाल के अंदर जाइए, एक यही रूम दिया जाता है छोटा सा। कोविड की वजह से एक रूम में सिर्फ एक लोग को रखा जा रहा है, वैसे बेसिकली एक रूम में 2 लोग को रखा जाता है, तो आप देख सकते हैं यही छोटा सा अलमीरा देते हैं और बाहर निकल के ये सिर्फ एक लोग को रखा गया है। तो ये था दोस्तों पूरा रूम, बहुत कॉम्पैक्टली, मतलब छोटा बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन छोटा भी नहीं है। सालों से लोग रहते चले आए हैं एक कमरे में 2 लोग, आज भी रह रहे हैं। तो आइए, तो मिलते हैं किसी अलग ब्लॉग में। जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक इस कैंपस में हम भी हैं, आप भी बने रहिए वीडियो के माध्यम से। मिलेंगे एक नए वीडियो में, जो आप रिक्वेस्ट करेंगे हम उस पर काम करेंगे। तो आप मुझे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हैं मुझे, और अपनी रिक्वेस्ट हमको पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो जुड़िए हमसे, हमारे इस पेज से, हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आप भी आगे बढ़िए। तो धन्यवाद, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद जय भारत।